इतनी जो भारी अक्सरियत आई है, क्या वो गुंडागर्दी करने के लिए आई है, तबाही मचाने के लिए आई है? 3 दिन से मुझे लगातार कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो हमारे बिजबेहाड़ा में वर्कर्स हैं, वो खिरम में हो, दक्षिणीपुरा में हो, वागामा में हो, और आप यकीन नहीं करेंगे, जो वहां के इलेक्टेड एमएलए हैं वो कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताती हूँ। हमारे जो पीडीपी के वर्कर्स हैं, उनके घर की जो दीवारें हैं उनको पत्थर से तोड़ा जा रहा है, जो उनका लाइव स्टॉक है, कल मैंने एक वीडियो डाला था, आपने ट्विटर पे भी देखा होगा, एक काउ शेड है बागामा में, वहां पे आग लगाई है। अच्छा, जो इनकी बकरियां हैं, गाय हैं, उनको चुराया जा रहा है। जब नमाज हो रही है, अजान हो रही है, तो तब ये पटाखे छोड़ रहे हैं। चलिए, आपको हमें गाली गलौज देना है, महबूबा जी मुझे सड़कों पे गाली गलौज कर रहे हैं, बिजबिहाड़ा के एनसी वर्कर्स हमें गालियां दीजिए, मगर आप मेरे वर्कर को छुएंगे नहीं। अगर आपने मेरे वर्कर को हाथ भी लगाया तो सीधे आपकी तहकीकात होगी, एंड वील मेक श्योर कि आपके अगेंस्ट एफआईआर लॉज हो। और मैं यहाँ के एमएलए से पूछना चाहती हूँ कि आप आए, आपने 4 इलेक्शन हारे, आपको मुबारकबाद है। हमने बिजबेहाड़ा में 4 बार कंजेकेटिवली जीता, बीरी साहब ने जीता, महबूबा जी ने जीता। मैं जो नए एमएलए हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आपने इसलिए जीता ताकि आप वहां पे तबाही मचाएं, गुंडागर्दी करें, वैंडलिज्म करें, आर्सन करें, और जब पुलिस ने न्यूली एमएलए से पूछा कि आप अपने वर्कर्स को, एनसी वर्कर्स कारकुन को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, ये मुबारकबाद करना चाहते हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई कांट कंट्रोल देम। तो मुझे बताइए एमएलए साहब, अगर आप अपने वर्कर्स की गुंडागर्दी कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कौन से एमएलए हैं? और मुझे बिजबिहाड़ा के लोगों की अब परेशानी हो रही है, क्योंकि ऐसा नुमाइंदा आया है जो जिसको इलेक्ट हुए 2 दिन भी नहीं हुए, और मुझे इतने सारे मैसेजेस आए, मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे व्हाट्सएप पे, कल मैंने ट्विटर पे भी डाला, मेरे वर्कर्स की पिटाई करी जा रही है, कुछ अस्पताल में है, उनके घर के बाहर ये पटाखे फोड़ रहे हैं, जो इनके वहाँ काउ, चलिए पटाखे फोड़े उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो काउ शेड है इनके, जहाँ गाय का वो तबेला टाइप था, वो तक जलाया गया वागामा में। और ये एनसी ने लास्ट बिजबिहाड़ा में 4 अप्रैल 1979 को किया, जब खिड़म में जाके उनने हमारे जो वर्कर्स थे, जो मुफ्ती साहब के तब वर्कर्स थे, वहां पे इनने इनके घर जलाए, मार पिटाई की। तो मैं जमात वालों को भी, एंड ये एनसी बिजबिहाड़ा में ही नहीं कर रही है, ये कुलगाम में सीपीआईएम भी कर रही है, दूसरी जमात भी कर रही है, एनसी यही चीज डीएचपोरा में कर रही है, जो हमारे गुलजार डार साहब है जिन्हें हाल ही में इलेक्शन हारा, उनने मुझे फोटोज भेजी अपनी वर्कर्स की। एनसी वही कर रही है जो 30 साल पहले, 40 साल पहले वो करती थी। देवर नोन फॉर गुंडाराज, हुलिगनिज्म, जो हमने पीडीपी ने खत्म किया, जिसकी वजह से उनको अक्सरियत में आना वो बंद हो गए। तो मैं एनसी से पूछना चाहती हूँ कि आप इसलिए अक्सरियत में आए कि आप पीडीपी के वर्कर्स को, बाकी जमात के वर्कर्स की पिटाई करें? हु गिव्स यू द राइट? और मैं इसमें पुलिस और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उनका शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि उनने बहुत प्रॉम्प्टली, खासतौर से जो एसएसपी साहब है, उनके नोटिस में जब मैंने ये बातें लाई, इमीडिएटली ही एड्रेस्ड इट, सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू देम। और मैं मुबारकबाद देती हूँ एनसी को, आई एम नॉट अ सोर लूजर। मैं 2 दिन बाद इसलिए रिएक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि ये हमारे घर जला रहे हैं, यहाँ अजान जब हो रही है यहाँ पटाखे छोड़े जा रहे हैं, ये मिसबिहेव कर रहे हैं, मेरे कुछ वर्कर्स हैं जिनके दांत तोड़े गए हैं। तो अगर हमारे नए एमएलए बिजबिहाड़ा के 2 दिन में ये कर रहे हैं, तो मुझे तो डर लग रहा है कि 5 साल में वो क्या गुंडागर्दी करेंगे। एंड ये बहुत अफसोस की बात है कि जब एनसी भारी अक्सरियत से आई इतने सालों बाद, तो वो वही कर रही है जो 40 साल पहले करती थी, विच इज गुंडागर्दी, हुलिगनिज्म, पकड़ धकड़ का माहौल जो हम यहाँ कहते थे, वो अब स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मैं इलेक्शन हारी होंगी, लेकिन मैं मैदान नहीं छोड़ूंगी, और आपका ये जो गुंडागर्दी का कल्चर है, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ इट, आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू गेट अवे विद इट। और मैं, हमारे जो वर्कर्स हैं बिजबिहाड़ा के, मैं कान पकड़ के उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आपने कितने मुश्किल माहौल में मेरे साथ कैंपेनिंग की, मेरे लिए कैंपेनिंग की, मैंने आपको शुरू से कहा आपकी बेटी, आपकी बहन हमेशा हाजिर है, मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। आप लोगों की पिटाई की जा रही है, हमारी माओ बहनों के साथ एनसी के वर्कर्स बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौच कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं। आपको महबूबा जी मुझे गालियां देनी है, दीजिए, मेरा बहुत बड़ा ये दिल है, आई विल नॉट माइंड, मेरा कहते हैं ना, मैं, मेरी बहुत मोटी चमड़ी है, आई कैन टेक इट, बट अगर आपने मेरे वर्कर्स को छुआ, आई विल नॉट टॉलरेट इट। और अगर ये चलता गया तो मुझे बिजबिहाड़ा जाके
I'll have to see. I'll have to take matters into my hand. I don't want to do that. And again, I'd like to commend the police. Unne promptly हमारी complaints ली, कुछ FIRs register भी हुई हैं और मैं NC के workers को warn करती हूँ कि वो ये गुंडागर्दी बंद करें, चाहे वो कुलगाम में हो जहाँ जमात के वर्कर्स की पिटाई की जा रही है, जमात वालों के घर के शीशे तोड़े जा रहे हैं, CPIM एनसी वर्कर्स कर रहे हैं, और DH पोरा में जहां फिर से NC ये गुंडागर्दी का माहौल कर रही है। लोगों ने आपको भारी अक्सरियत से जरूर लाया हो, लेकिन आप गुंडागर्दी बंद करिए, अदरवाइज वी विल टेक यू टू टास्क, आई विल टेक यू टू टास्क। आई हैव अ क्वेश्चन राइट आफ्टर द इलेक्शन, राइट आफ्टर द रिजल्ट्स, नाउ उमर अब्दुल्ला चेंज इज नैरेटिव। देखिए टुडे जी, आई नो दैट एंड वी मस्ट गिव देम सम टाइम, अभी अभी वो इलेक्ट हुए हैं, सो वी विल वेट। लेकिन आज की जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो NC के गुंडा राज के बारे में है, कि कैसे जब उनकी पहले मेजोरिटी आती थी यहाँ, उनके जो बड़े बड़े लीडर्स थे जिनको वो शेर कश्मीर कहते हैं, उनने यहाँ ऑपोजिशन फ्लरिश नहीं होने दी। आज जो PDP ने इनकी पीठ तोड़ी, मैं इनको कहना चाहती हूँ PDP इज डाउन बट वी आर नॉट आउट एंड वी विल नॉट टॉलरेट दिस डिसरिस्पेक्ट। देखिए वो उसके बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे वर्कर्स के बारे में है, बिकॉज 3 दिन से उनकी बहुत पिटाई हो रही है, उनके जो गाय के तबेले उसका मैंने वीडियो तक डाला, इनको डैमेज हो रहा है, इनकी प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जा रहा है, आर्सन लूट खसूट का माहौल चल रहा है, तो दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वॉज जस्ट टू वॉर्न NC टू स्टॉप व्हाट दे आर डूइंग, अदरवाइज वी विल हैव टू टेक देम टू टास्क एंड आई एम गोना टेक देम टू टास्क। यस, द पुलिस एक्चुअली बहुत उनने कोऑपरेट किया, कल रात जब मैंने SSP साहब से बात की, इमीडिएटली अ फ्यू FIRs वर फाइल्ड, बट आई थिंक NC हैज ऑलवेज बीन ड्रंक ऑन पावर, जब वो भारी अक्सरियत में आते हैं तो दिमाग थोड़ा खराब होता है, लेकिन उनका दिमाग हम सेट करेंगे। और कोई क्वेश्चंस? मैम फिलैंथ्रोपिस्ट और टाटा संस के शेयर पोर्शन का टाटा साहब का देहांत हो गया, उसको लेकर के अगर आप वेल, ही वाज अ विजनरी एंड ही वाज सो हम्बल, ही वाज ऑलवेज सो काम, मेरी तरह वो रॉकेट टाइप नहीं थे, यू नो, सो आई थिंक दैट ही डिड सो मच फॉर इंडिया, his family, his lineage and the way he conducted himself, and he was a businessman with ethics. जैसे हम यहाँ बाकी businessmen देखते हैं media houses को own करके कैसे जहर फैलाते हैं, Tata साहब never did it, so I have full respect for him.